इस कॉलेज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई स्टेट लेवल की ट्रॉफी हम लेकर आए हैं। ये बड़ा गौरव का विषय है इस कॉलेज के। मुझे कहना चाहिए कि वी हैव एडिड ए न्यू चैप्टर, आई शुड से कि वी हैव एडिड गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और इस अचीवमेंट का सारा श्रेय मेरे स्टाफ को जाता है, मेरे विद्यार्थियों को जाता है। इतना ब्रिलियंट स्टाफ और स्टूडेंट्स इस कॉलेज में हैं, जिनका थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने दिया उनको और क्या रिजल्ट उन्होंने दिया, तो इस कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसा चैप्टर आज ऐड हुआ है जो आगे चलकर बहुत तो बनकर आए हैं। लेकिन पब्लिक को फील होता होगा कि हम किस लेवल पर विजेता बनकर आए हैं। मैं बता दूं कि हरियाणा में 182 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 97 गवर्नमेंट एडिड कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 279 कॉलेज थे जिनकी पार्टिसिपेशन थी, 279 कॉलेज, 5,500 टीचर, 3,500,000 विद्यार्थी, और उनमें से विजेता बनकर आना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे 10 विद्यार्थी वहां पर पार्टिसिपेशन के लिए यहां से पहुंचे थे, तो वो 3,500,000 विद्यार्थियों में से वो 10 विद्यार्थी आप मान सकते हैं कि बेस्ट डिक्लेयर हुए हैं। 4 हमारे कंटिंजेंट इंचार्ज टीचर थे वहां पर, वो बेस्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किस लेवल पर, क्या किस मुकाम पर जाके जीत के आए हैं। मैम, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स गए थे हिसार में, कॉलेज में जीत कर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, बहुत ही खुशी का क्षण है ये, और हमारा ये सपना था कि हम स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट विनर ट्रॉफी है वो लेके आए, और उसको अचीव करने में मुझे लगता है हमारे साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मेहनत है वो हमारे प्रिंसिपल सर की है। सर ने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया, जो हमें सपोर्ट सिस्टम दिया, और उसके बाद हमने दिन रात काम किया, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, और अल्टीमेटली वी हैव अचीव दैट। हमने 4 मॉडल्स वहाँ प्रस्तुत किए, और चारों में से मैं आपको बताना चाहूँगी, सर ने भी आपको बताया, हमने कंप्यूटर में बेस्ट प्रेजेंटर, फिजिक्स में पोजीशन लेके आए, जूलॉजी में पोजीशन लेके आए, एंड वी अचीव्ड मैक्सिमम मार्क्स ओवर देयर, दैट इज़ वाई वी ऑप्ट फॉर बेस्ट ट्रॉफी ओवर देयर। तो एक छोटे से कॉलेज से, रूरल एरिया के कॉलेज से हमने अपने आप को प्रेजेंट किया, और बड़े बड़े कॉलेजेस को पछाड़ते हुए ये मुकाम वहाँ पे हासिल किया। तो मॉडल्स में इनमें स्पेशलिटी कौन से उसमें रही? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी में हमारा मॉडल एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है गेहूं की एलर्जी, अगर मैं हिंदी में बताऊँ, और साइंटिफिकली उसको बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। आज नॉर्थ इंडिया में ये डिजीज़ बड़ी प्रेवलेंट है, हर परिवार में या संबंधियों में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चे भी इसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो मुझे 3 साल की उम्र, जब वो 3 साल के, तब पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था गेहूँ किस में है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे हम लोकल पीपल को अवेयर कर सकें, और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताऊँगी कि हमारा मॉडल वहाँ पर बेस्ट पब्लिसाइज्ड मॉडल रहा, जिसको हर लोकल बंदे ने आके बार बार देखा, बार बार पूछा, और हमने उनको अवेयर किया कि किस तरीके से हम इस ग्लूटेन एलर्जी को, गेहूं की होने वाली एलर्जी को रोक सकते हैं और बच्चों की हेल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। इस कॉलेज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई स्टेट लेवल की ट्रॉफी हम लेकर आए हैं। ये बड़ा गौरव का विषय है इस कॉलेज के। मुझे कहना चाहिए कि वी हैव एडिड ए न्यू चैप्टर, आई शुड से कि वी हैव एडिड गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और इस अचीवमेंट का सारा श्रेय मेरे स्टाफ को जाता है, मेरे विद्यार्थियों को जाता है। इतना ब्रिलियंट स्टाफ और स्टूडेंट्स इस कॉलेज में हैं, जिनका थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने दिया उनको और क्या रिजल्ट उन्होंने दिया, तो इस कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसा चैप्टर आज ऐड हुआ है जो आगे चलकर बहुत बड़े मुकाम पर इस कॉलेज को लेकर के जाएगा। कैसे शुरुआत हुई थी इस एग्जीबिशन की, और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था आपके कॉलेज के? देखिए, पहले हमने 24 जनवरी को कॉलेज लेवल की साइंस एग्जीबिशन करवाई थी, जो मैंडेटरी होता है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन जैसे इंस्ट्रक्शन आती हैं। पहले कॉलेज लेवल पर साइंस एग्जीबिशन हुई, इसमें जो फर्स्ट प्राइज जिनका आया। फिर 31 जनवरी को हमारे ही कॉलेज में इंटर डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन हुई, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें 25 कॉलेजेज आते हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से 25 नहीं आ सके, या कुछ छोटे कॉलेजेज हैं, प्रताप नगर वगैरह,
या सरस्वती नगर वगैरह जिनमें साइंस नहीं है, तो टोटल 17 कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहा था, जिसमें 88 स्टूडेंट आए थे और जिसमें 7 सब्जेक्ट में हमारे यहाँ इवेंट्स हुए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ये 7 सब्जेक्ट थे। इसमें से हमारे कॉलेज को फर्स्ट प्राइज गए थे 4 सब्जेक्ट में, जिसमें बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में हमारा कॉलेज फर्स्ट पोजीशन रही थी हमारे की, बाकी पोजीशन दूसरे कॉलेजेस को थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर जिनकी फर्स्ट पोजीशन आई थी वो हिसार पहुँचे, 5 और 6 फरवरी को हिसार में स्टेट लेवल की साइंस एग्जीबिशन हुई। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सारे हरियाणा को 10 जोन में बांटा गया था, जिसमें से एक जोन की एग्जीबिशन हमारे यहाँ हुई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो वो 10 जोन के जो जो फर्स्ट प्राइज विनर्स थे उन्होंने अपने एग्जिबिट्स डिस्प्ले किए वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। टोटल 70 एग्जिबिट्स वहाँ आए और उसमें जिनकी पोजीशन आई उसके हिसाब से फिर हमारी ट्रॉफी आई। हमने वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हम विजेता रहे, हमारा एक लड़का बेस्ट एक्सप्लेनेटर रहा। उसके बाद जूलॉजी में हमारी पोजीशन आई, उसके बाद हमारी फिजिक्स में पोजीशन आई, सिर्फ मात्र बॉटनी में हमारी नहीं आ सकी, कुछ पॉइंट्स से हम वहाँ रह गए थे, लेकिन वहाँ भी हमारे को पॉइंट्स मिले। हर सब्जेक्ट में, हर मॉडल में हमने बेस्ट से बेस्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हाई थे और फिर हमारे को जो है वो उसी की वजह से ट्रॉफी ये मिली है। तो किसे श्रेय देना चाहोगे आप? श्रेय टोटली स्टाफ सर, सारा स्टाफ को जाता है श्रेय। देखिए मैं मानता हूँ कि मैंने स्टाफ का बहुत हौसला अफजाई की, उनको फैसिलिटेट किया, उनको जो मांगा पैसा दिया, मैंने कहा कि खुला पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कॉलेज में। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टाफ को, फाइनेंस हमारे लिए कोई आड़े नहीं आएगा, आप बेस्ट से बेस्ट करिए, लेकिन बेस्ट से बेस्ट करना और स्टेट लेवल पर जीत के आना वो तो स्टाफ का काम है ना। तो मैंने तो एग्जीबिशन तैयार नहीं करवाए ना, मैं लीडर की रोल में जरूर था, मैं खुद टीम को लेकर गया हूँ, सुजाता को मैंने टीम का लीडर बनाया, सुजाता टीम लेकर गई यहाँ से, हम एक ट्रक सामान का भर के लेकर के गए, एक हमारी मिनी बस यहाँ से गई और मैं खुद वहां पर पहुंचा, 3 दिन मैं खुद वहां पर मौजूद रहा। मैं हरियाणा का एकमात्र प्रिंसिपल था जो वहां पर हर समय में मौजूद रहा, क्योंकि मैं एक टारगेट लेकर गया था, एक मुझे मछली की आंख की तरह से एक निशाना था कि जो मेरा टारगेट है वो हमें पूरा करके आना है। मेरा मेरे को कॉन्फिडेंस इतना मेरा हाई लेवल का था कि मेरा स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, मुझे कुछ ना कुछ तो दिलाकर जरूर लाएंगे। तो इसलिए मैं 3 दिन तक लगातार डटा रहा इनका हौसला अफजाई करने के लिए, और अल्टीमेटली जब स्टेज से जब डिक्लेयर हुआ कि रनर्स अब कौन गैस लगाइए, तो रनर्स अब किसी ने गैस नहीं लगाया, रनर्स अब की ट्रॉफी फिर हमारे यहाँ के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर को भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज को रनर्स अप ट्रॉफी, और फिर स्टेज से डिक्लेयर किया गया कि गैस लगाइए, हु इज द विनर, ट्रॉफी किसको जाएगी, पीछे से आवाजें आने लगी कि गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली छछरौली, सबको पहले पता लग गया, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली का स्टेज से नाम आया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हो सकता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि शायद मेरे जीवन में कोई और खुशी मुझे मिली हो, लेकिन कॉलेज की हिस्ट्री में, मेरे 30 इयर्स के करियर में तो मुझे शायद ऐसे खुशी के पल कभी नहीं मिले होंगे जो मैंने मेरे ही बनाए हुए अपने ही ऑडिटोरियम में जो ट्रॉफी उठाते हुए महसूस किए, ऐसा क्षण शायद ही कभी आया होगा। बहुत जबरदस्त खुशी आज भी हो रही है, उस दिन भी हो रही थी, उस दिन तो आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे, इतनी जबरदस्त खुशी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं।